नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार चुनावी मैदान में है। कुछ प्रचार प्रसार में है, कुछ प्रत्याशी के रूप में है और कुछ परिवार से जुड़े हुए हिस्से हैं। अब चुनाव में कौन है? चुनाव में है एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं यहाँ पर, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हैं अनुजेश यादव। मुकाबला परिवार का परिवार से है, लेकिन प्रचार प्रसार में जहाँ तेज प्रताप यादव के लिए धर्मेंद्र यादव सामने आते हैं, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, पूरा समाजवादी पार्टी की बात करें, वो तैयार है प्रचार प्रसार करने के लिए। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जाती है, उसमें 40 नाम सपा की तरफ से होते हैं। अब सपा तैयार है, बीजेपी की तरफ से भी कोई फैसला नहीं। अनुजेश यादव के चुनाव प्रचार प्रसार में उनकी पत्नी संध्या यादव यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार में जुटेंगी, या फिर धर्मेंद्र यादव जो उनके भाई हैं और तेज प्रताप यादव, क्या उनके लिए चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगे, क्योंकि गुम नजर आ रही हैं और परिवार का साथ देना जरूरी हो जाता है। अब धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा, आजमगढ़ से सांसद, धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या और संध्या के जो पति हैं अनुजेश, ये पूरा चक्रव्यूह, पूरा जाल फैला हुआ है परिवार का। अब पार्टी से बेदखल कर दिए जाते हैं अनुजेश और संध्या, लेकिन धर्मेंद्र यादव अपनी बहन के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन अपने जीजा के खिलाफ बड़े नारेबाजी करते हैं कि साथ हमने तभी छोड़ दिया था जब वो 2019 में बीजेपी के साथ चले गए थे। खुद धर्मेंद्र यादव ने ये कहा कि अनुजेश यादव का हम समर्थन नहीं करते हैं, परिवार का हिस्सा भी नहीं मानते हैं, लेकिन परिवार का हिस्सा तो उनकी बहन है ही। क्या प्रचार प्रसार में जुटेंगे? क्या समर्थन में आएंगे? क्या अनुजेश यादव का समर्थन करेंगी या फिर तेज प्रताप यादव का? क्या लगता है आपको कि क्या सामने आएंगे? जो खुद मेनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रह चुकी हैं, जिला पंचायत सदस्य यहां पर रह चुके हैं उनके पति अनुजेश यादव, जिम्मेदारी सपा में थी, बीजेपी में आने के बाद कुछ भी नहीं है, बस अनुजेश यादव को चुनाव में उतारा गया। देखना होगा कि फैसला क्या होता है आखिरकार उनका। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज। धन्यवाद।